बेलीपार थाना क्षेत्र के भावपार गांव के बंसीपुरा टोला निवासी एक व्यक्ति ने बीती रात अपने घर में पंखे में मच्छरदानी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। आपको बता दें, भावपार के बंसीपुरा निवासी संतोष चौधरी पुत्र स्वर्गीय जीतन चौधरी ने सोमवार की रात अपने कमरे में दरवाजा बंद कर पंखे में मच्छरदानी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मृतक संतोष राजकोट शहर में रहकर पेंट पॉलिश का कार्य करता था। लॉकडाउन लगने के महीना भर बाद किसी तरह घर आया था। मृतक की 3 लड़कियां हैं, जिसमें एक की शादी हो गई थी। इस संबंध में मृतक के भाई ने बेलीपार पुलिस को तहरीर दी है, जबकि गाँव वालों का कहना है कि सोमवार की शाम को मृतक संतोष का शराब के नशे में एक पड़ोसी से विवाद हो गया था। पड़ोसियों से मारपीट ना हो इसलिए घर वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। कुछ देर बाद जब घर वालों ने दरवाजा खोला तो वह पंखे से झूल चुका था। आनन फानन में घर वालों ने उसे जिला अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार की सुबह बेलीपार पुलिस ने शव को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक की पत्नी ने कहा, हमारा आदमी पी के आई ना, हमें गरियावत रहना, हमें गरियावत रहना, सबकर बेटी बन गरियावत रहना, हमें धमकी आओ ना, हम कानी बाबू हो तो गोर धर थी चल जा, भी नहीं है कहिया समझा दी हो, हमार मर्दो झगला कह तो जाओ 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 करे बाद ऊपर आ गईल हवा, ये बाबू का कही लिहला से राम, अरे राम हो ना जल्दी ऐसा कंडवा कह दे, अरे राम हो। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 लड़की हैं, हमारे केहू नहीं बा दुनिया में, केहू नहीं यार।